हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड, जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हो, तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बाइक पर चार चार लोगों को बैठा लेकर फिर पेट्रोल डलवाते हैं। एक बाइक पर चार चार लोगों को बैठा लेकर पेट्रोल डलवाते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कुछ लेडीज भी होंगी उस बाइक पे और उनके बच्चे भी होंगे। तो बच्चों को क्या करते हैं वो लोग कि आगे टंकी पे बैठा लेते हैं और पेट्रोल जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो ना ही बच्चों को उतारते हैं, ना ही किसी को गाड़ी से नीचे उतारते हैं, और डायरेक्टली पंप पे गाड़ी लगा के और उन्होंने गाड़ी का ढक्कन खोला और पेट्रोल डलवाना स्टार्ट। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस तरीके से आप पेट्रोल ना डलवाएं। अभी अभी एक हादसा हुआ है जिसमें आपने देखा होगा, अभी मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप देखिए कि एक शख्स ने, एक व्यक्ति है जो साथ में उसके लेडीज भी है, एक बच्चा भी है, और बच्चे को उसने टंकी पे बैठा के रखा है। जैसे ही उसने पेट्रोल डलवाना स्टार्ट किया, मोबाइल उसका चालू था, बात कर रहा था, बात करते समय उसने गाड़ी बंद नहीं की, गाड़ी बंद की या नहीं, मोबाइल पर बात कर रहा था। और मोबाइल पर आपने जब भी पेट्रोल पंप मशीन पे पहुंचे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा मशीन पे भी एक स्टिकर लगा रहता है कि मोबाइल पर आप बात ना करें, गाड़ी में जब भी पेट्रोल या डीजल पेट्रोल डलवाएं तो गाड़ी का इंजन ऑफ करें, इसके बाद सिगरेट वगैरह ये सारे धूम्रपान का भी इस्तेमाल ना करें। तो आपने ये देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं मानते और जो कि गलती का शिकार हो जाते हैं, एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो हादसे में पेट्रोल पंप वाले जितने भी स्टाफ रहते हैं, सब लोग रहते हैं, वो भी समझाते हैं कि इस तरह की गलती ना करें। कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं मानते, तो उसका नतीजा बहुत ही गंभीर हो जाता है। अभी आप देखिए हुआ क्या है, देखिए इस वीडियो में। ये भाई साहब पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवाने के साथ एक लेडीज बैठा ले हैं एक बच्चे को। देखिए अब पेट्रोल डलना स्टार्ट हो गया, मोबाइल पर बात कर रहे थे, देखिए गाड़ी में आग लग गई और साथ में बच्चे में भी आग लग गई। देखिए किस तरीके से बच्चे में आग लगी, बच्चा बिल्कुल झुलस गया, आग बुझाने पर भी नहीं बुझ रही है, देखिए आप। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड, हमारा आपसे यही कहना है कि जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ तो गाड़ी में बच्चों, आप बच्चे को साथ में लिए हो तो बच्चों को नीचे उतार दो, यदि नहीं उतार रहे हैं तो गाड़ी का इंजन ऑफ कीजिए। इंजन ऑफ करने के बाद एक मिनट के लिए आप फोन पे बात नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा वो नहीं हो जाएगा, इसलिए फोन पे भी बात ना करें, एक मिनट में कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उन्होंने एयरफोन लगाया, म्यूजिक चालू है, पेट्रोल डल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा पेट्रोल पंप पर। आप देख रहे हो कितना बड़ा हादसा हुआ है, तो इस तरीके की गलती आप ना करें। पेट्रोल पंप वाले आप लोगों को बार बार समझाते हैं, इतने बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों से यही कहना है कि इस तरीके की गलती ना करें जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाएं। जितने भी लोग हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप पहले बच्चों को उतार दें, उसके बाद ही पेट्रोल डलवाएं। नहीं उतार रहे हैं तो फ्रेंड आप गाड़ी का इंजन ऑफ कीजिए, इंजन ऑफ करने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई भी फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, और उसके बाद ही आप पेट्रोल डलवाइए। अभी देखिए मशीन पे लिखा हुआ है आपका मोबाइल नहीं चलेगा, सिगरेट नहीं चलेगी, ना ही आपकी चाबी, गाड़ी को बंद करके ही पेट्रोल डलवाएं। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मोबाइल, बाइक को बंद करें, मोबाइल का यूज ना करें, ना ही सिगरेट का उपयोग करें, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल सख्त मना है पेट्रोल पंप। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो इस हादसे से आप लोगों को यही समझ में आया होगा फ्रेंड कि आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो पेट्रोल पंप पर जब भी पेट्रोल डलवाएं तो गाड़ी का इंजन ऑफ कीजिए, मोबाइल पे बात ना कीजिए, और साथ ही आप सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। यदि आप एक मिनट के लिए मोबाइल पे बात नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बंद कीजिए जब भी आप पेट्रोल पंप पर पहुँचें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। और फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी बंदा पेट्रोल पंप पर काम करना चाहता है उसे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं, यदि वो वीडियो को पूरी देखता है तो उसे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो देखकर डायरेक्टली पंप पे पहुँचेगा और वो मैनुअली मशीन चलाना सीख जाएगा, उसे किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं
पड़ेगी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं जो कि वो एक सेल्समैन का काम कर सकता है। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, चलिए चलते हैं, नमस्कार।